मेयर घोषित करते हैं। एक और अनुरोध, आप सब जनता की सेवा के लिए आए हैं और मेरी आप लोगों से या सभी पार्षदों से पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ जनता की सेवा करें। एक और चीज, जब मैं यहाँ पर आई थी तो आपके हाउस में से बहुत कम लोग मतलब उठे थे, आज आपकी सीट पर है तो कल आपको भी ये नजारा मिल सकता है। सीटें बदलती रहती है लेकिन लोगों का सम्मान करना सीखे। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का और पूरी दिल्ली की जनता का, हमारे पार्षदों का, हमारे जितने भी विधायक हैं उनका और जितने भी हमारे सांसद हैं उनका, जिन्होंने मुझे महापौर चुनकर दिल्ली की सेवा का एक मौका दिया। और कल से ही हमारी जो कार्यवाही है नगर निगम की उसकी शुरुआत होगी और कल से ही हमारे जितने पार्षद जो पहले से ही अपने वार्ड में काम कर रहे थे, कल ऑफिशियल तरीके से पूरी दिल्ली में काम शुरू हो जाएगा और साथ ही कूड़े के पहाड़ों के इंस्पेक्शन भी अगले 3 दिनों में हम लोग करेंगे। धन्यवाद। अब मैम, ये अभी चुनाव डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव आज ही होगा? जी अभी होगा, 10 मिनट के लिए हाउस एडजर्न किया गया, अभी हम जाकर डिप्टी मेयर का चुनाव करेंगे। स्टैंडिंग कमेटी का पहले हम डिप्टी मेयर का करवा लें। मेरा आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी और आपका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होगा मैम? जी देखिए, हमारा लक्ष्य तो है जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो 10 गारंटी दी है, जो अरविंद केजरीवाल जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दिल्ली की जनता को एक सपना दिखाया है, हम उन सब पर काम करेंगे। अच्छा, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव आज ही होगा कि नहीं होगा? जी होगा, बिल्कुल होगा। मैम, पिछले 3 बार जिस तरीके से लगातार अप्रोवर हाउस में देखने को मिला, इलेक्शन नहीं हो पाया, चौथी आज अटेम्प्ट था, फाइनली आज इलेक्शन हुए सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद, पूरी प्रक्रिया को किस तरीके से देखते हैं? जी देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट का और चीफ जस्टिस का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि निष्पक्ष तरीके से उन्होंने अपना निर्णय दिया और शांतिपूर्वक चुनाव हुआ और दिल्ली को आज मेयर मिला। बीजेपी दावा कर रही थी कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी कुनबे में सेंध लगेगी, लेकिन एक भी वोट इधर से उधर नहीं हुआ। जी देखिए, हम तो पहले दिन से ही बोल रहे थे कि जो हमारे पार्षद हैं हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं उनमें, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। How do you plan to fix Delhi's legacy issues given that this has been a very big build-up in the elections and even now and there's been a delay and you have a very short term, your term will end by the end of March, so don't you think that's a very short-lived term for you to execute your plans? So, although the term is very short, but surely I'm going to give my best as per the under the leadership of Arvind Kejriwal ji and Manish Sisodia ji. Thank you so much. Thank you.